इट्स याशिता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज का वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान से, हमारे न्यूएस्ट क्यूटी फैम मेंबर से। तो अगर आप आज का वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड जल्दी से चलते हैं एंड मैं आप सबको मिलवाती हूँ हमारे छोटे से मेहमान से। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है इस टाइम। माई हार्ट इज सो फुल ऑफ लव। जब से आई है मैं उसको छोड़ ही नहीं रही हूँ, मैं इसी के साथ हूँ तब से। इसके आने के पहले ही मैंने काफ़ी तैयारी कर ली थी इसके लिए, तो उसका जो भी सामान था सब कुछ ले आई थी मैं। पहले आपको एक एक करके सब चीज़ें दिखाने वाली हूँ इस ब्लॉग में, पर पहले तो आप इसको हेलो बोलो। हेलो बोलो एली, सबको बोलो हेलो हेलो। दादी से मिलने आएंगे, दादी 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 को हेलो बोल दो, दादी को हेलो बोल दो, प्याली प्याली कर दो दादी को, प्याली प्याली। का नाम रखा है हम लोगों ने एली एली। हाँ एली एली। कितनी प्यारी, हमको प्यारा बहुत लगता है ना दादी। दादी को बहुत ज्यादा शौक था बचपन में, बहुत अच्छा लगता है बेटा। एक बार आपने बचपन में लेके भी आई थी ना एक छोटा सा स्ट्रे पपी घर पे, तो दादी को बोल गया बहुत बहुत प्यारा लगता है। शो जाओ दादी के पास, शो जाओ शो जाओ। ऐसा लग रहा है मम्मा आपको? ले ऐसा लग रहा है ढेर सारी खुशियां मिल गई है मुझे। सच में घर में इतना पॉजिटिव एनर्जी लेके आई है ना, ये मेरा सपना पूरा हुआ इसके आने से, क्योंकि मम्मा का सच में ये सपना था। और ये वाकई सपना है, ये आप लोग सोचेंगे सपना क्या है, तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी फुर्सत से। तो घर में सब लोग इतने हैप्पी हैं, इतने एक्साइटेड हैं, बहुत ही एकदम घर की एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो गई है एली के आते से ही। एंड उसको आए हुए अभी 2 घंटे से ऊपर हो चुका है। जैसे वो आई थी ना तब मैंने व्लॉग नहीं किया, क्योंकि मेरे को मन ही नहीं किया कैमरा उठाने का। मुझे बस मन करा था मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, वो मुझे थोड़े अच्छे से पहचान पाए, कंफर्टेबल फील कर पाए। उसके बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। तो अभी 2 बजने वाले हैं एंड एली का लंच टाइम होने वाला है, तो यह मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या प्रिपेयर हो रहा है उसके लिए। तो यहाँ पे मम्मी प्रिपेयर कर रही है एली का लंच, है ना। ये मम्मा ने डाला 1/2 चम्मच वीट सेरेलेक, या एली का सेरेलेक। एंड ये है उसका डॉग फूड जो मम्मा ने मिक्सी में चर्न कर लिया है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी बेबी है तो वो च्यू नहीं कर पाएगी, इसलिए एकदम पाउडर बना लिया है एज यू गाइस कैन सी। एंड इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे। एली के लिए ये सप्लीमेंट्स भी आए हैं, मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम, जो उसको 2 दिन के बाद उसके फूड में ऐड करके देंगे थोड़ा थोड़ा सा। एली ने खाना खा लिया है एंड उसके बाद वो अपना नैप ले रही है आराम से लेट के, बहुत ही क्यूटली। अभी बहुत छोटी है ना, तो वो बस 10 मिनट खेलती है बहुत ही एनर्जी के साथ, फिर सो जाती है। सो जब तक वो सो रही है तब तक मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि उसके लिए अभी तक हमने क्या क्या लिया है। हाँ तो गाइस, मैंने एली का सामान अभी इस ट्रंक में रखा है जो सिम्बा लाइफस्टाइल से मैंने लिया था लास्ट ईयर, एंड इसका भी बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होने वाला है। तो अभी तक इसके जितने भी टॉयज हैं, अभी खेल भी रही थी ये इससे। सो या ये इसका रोप टॉय है, ये लिया था, इससे बहुत खेल रही है वो अभी। एंड एक ये इसका स्क्वीकी टॉय है, ये वाला ऐसा, सो ये भी लिया है। एंड देन ये बॉल, देन ये इसका च्यू करने के लिए है, अभी नहीं देना है, जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब देना है उसको, इसलिए मैंने अंदर रखा हुआ है। ये इसका कॉम्ब है, इसका हेयर ब्रश है, जिसको हमें एवरी डे इसको ब्रश करना है, क्योंकि शिज़ू के बाल बहुत जल्दी टैंगल हो जाते हैं, तो ये हमें करना है, अभी मैं इसको खोलूँगी। एंड ये है इसका ड्राई बाथ क्लेंज़र, अभी इसको पानी से नहीं नहलाना है, अभी हम एली को इससे क्लीन करेंगे, उसको एक ड्राई बाथ देंगे। या लास्ट चीज़ जो है वो है इसका ये बोल, अभी तो ले लिया है ये हमने, पर
पर अभी वो बहुत छोटी है इसके लिए, तो अभी इसको हम एक दूसरी प्लेट में खिला रहे हैं। बाकी जो भी सामान है वो भी मैंने ऑर्डर कर लिया है। एक और बोल ऐसा गलती से हमारा एक छूट गया था वहाँ पे, तो मैंने एक और ऑर्डर कर लिया है और भी बहुत सारे टॉयज ऑर्डर कर दिए उसके लिए। हाँ इली, हाँ हाँ तुम आला ही सामान दिखा ले सबको। उठ गई। गाइस ये है एली का बेड, ऑफ कोर्स पिंक कलर में मंगवाया है हमने हमारी छोटी सी मैडम के लिए। अभी तो ये बहुत छोटी है तो उसके अंदर नहीं सोएगी, अभी ये रात में कार्टन के अंदर ही सोएगी। हाँ बाबू, हाँ हाँ अब देखो ये एक्टिव हो गई है, खेलेगी। हमने टॉयज के पास आ गई। वापस से थोड़ा सा खेल के सो गई है एंड मैं मम्मी के पास आई हूँ क्योंकि आपकी वो बात इनकम्प्लीट रह गई थी सपने वाली। तो आप सबको बता दो आपका सपना है क्या? मेरा सपना यही था, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, बहुत सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं एक घर में छोटा सा पप्पी लाऊं, लेकिन जैसे जैसे ये मुस्कान बड़ी हुई इसको है ना हमेशा डॉग से डर रहा है बहुत ज्यादा। सारे फ्रेंड्स को और सबको जानने वालों को ये पता है कि इसे बहुत डर था। कभी किसी पप्पी को इसने गोद में ले लिया होगा, टच भी नहीं किया होगा, और जैसी एली आई है उसको इतने अच्छे से प्यार से चिपका के घूम रही है कि इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है सच में। मुझे तो खुद ही यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे उससे इतना अटैचमेंट हो गया इतने जल्दी और मुझे उसे छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है। मैंने अभी आपको इसका सामान दिखाया था ना एंड बताया था और भी ऑर्डर किया है, तो अभी इसका ये पाउडर एंड शैम्पू भी आ गया है। तो मैं इसको अभी इसके ट्रंक के अंदर रख देती हूँ। नहीं तो नहीं नहाएगी इससे, पर हाँ मैंने हर चीज पहले ही मंगवा ली है। गाइस एली के घर आने की खुशी में मेरी बेस्ट फ्रेंड ने पल्लवी ने हम सबके लिए डोनट्स भिजवाए हैं एंड मेरे भाई ने भी अभी बहुत कुछ ऑर्डर किया है, तो हम सोच रहे हैं कि एक सेलिब्रेशन हो जाए हम सबका क्योंकि आज एली का फर्स्ट डे है घर पे। सो या अभी हम बैठ के अच्छे से खाएंगे एंड या मैं पता नहीं ज़्यादा व्लॉग कर भी पा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि इसके साथ सच में टाइम का पता नहीं चल रहा है। सुबह से शाम कब हो गई मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, ना तो मैंने अपना फ़ोन उठाया है ना लैपटॉप खोला है, कुछ काम नहीं कर रही हूँ मैं, बस एली के पीछे पीछे। सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एली को वीडियो कॉल पे देख रहे थे एंड ये बहुत मस्ती कर रही थी, पर अब इसके सोने का टाइम है। आई रियली होप ये अपने फर्स्ट नाइट में अच्छे से सो जाए एंड मैं और एली आपसे मिलेंगे कल मॉर्निंग में। सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड अभी आप देख सकते हो मैं स्टूडियो में हूँ, तो मैं मम्मी और हमारी प्यारी एली स्टूडियो आए हुए हैं। अभी नीचे सो रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। बट या गाइस कल रात में मैं आपको बोल रही थी ना कि मुझे डर लग रहा है ये सो पाएगी कि नहीं, पर ये प्याला बच्चा इतने अच्छे से सोई पूरी रात, बिल्कुल परेशान नहीं किया इसने। पर हाँ मैं हर घंटे या हर आधे घंटे में उठ उठ के इसको देख रही थी। आपको पता है मैं 10-11 बजे उठने वाली लड़की, इसके साथ आज सुबह से उठी हुई हूँ। 4 बजे एक बार उठी, फिर 5 बजे उठी, तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि जब ये उठती है तो मैं उठ रही हूँ, जब सो रही है तो मैं थोड़ी नैप्स ले रही हूँ इसके साथ। एकदम जैसे छोटे बच्चे के लिए नहीं करते हैं वैसे ही इसकी पूरी केयर करनी है। एंड या अभी मैं ऊपर आई हूँ, आप देख सकते हो थोड़ी रेडी भी हूँ क्योंकि मुझे एक शूट करना था छोटा सा, बहुत जल्दी हो जाएगा, तो वो मैं कर रही हूँ। एंड मम्मी वहाँ पे मेरी अलमारी ठीक कर रही है। मॉम बीइंग मॉम, उन्होंने आके देखा कि तुम्हारी अलमारी इतनी गंदी हो गई, अभी तो ठीक की थी, तो लग गई काम पे। मम्मा का काम चालू है। मैं एली के साथ नीचे बैठी हूँ, तो मम्मा ने थैंक यू मम्मा सो मच, आज मेरा सफाई अभियान चल रहा है क्योंकि ये आई है तो घर को साफ रखना भी बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत नीचे से लेके सब, और जो कमाल मैं इतने साल में नहीं कर पाई उसने एक दिन में कर दिया, इसको सुबह उठाना अर्ली मॉर्निंग। आज पता मम्मा मैंने इसके साथ बैठ के सनराइज देखा है, फिर ये दोबारा सोई तो उसको सुलाया। मुझे लग रहा था कि मैं ही करूंगी पूरी रात, मुझे ही जगना होगा, पर इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं सोती रही और सारी रात इसने इसकी केयर की। जिसने कभी आज तक अपनी लाइफ में इसने से टच भी नहीं किया था उसको पूरा ऐसे करके, मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है। इसके जो फ्रेंड्स हैं ना उन्हें यकीन होगा,
और फ्रेंड से याद आया, आज वृंदा आने वाली है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अब वो उसको कल से वीडियो कॉल में देख के पागल हो गई। उसने बोला कि प्लीज मुस्कान मुस्कान मुझे घर पे बुलाते हैं। सो उसने बोला प्लीज मुस्कान मुझे आने दे, मैं 3 मास्क लगा के आ जाऊंगी, शील्ड पहन के आ जाऊंगी। पर मुझे लगता है वो एली को मेरे साथ देखेगी तो बहुत सरप्राइज होगी, बहुत खुशी होगी उसको। एंड या अभी मैं तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि शूट करना है, तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद नॉर्मल कपड़ों में आ जाएंगे और दिन भर बस एली के साथ खेलेंगे और कोई काम नहीं करना। एंड अभी नहीं आई है, वो 4 घंटे पहले ही आ गई थी। एंड हमने एली के साथ बहुत ज्यादा खेला, उसको खाना खिलाया, उसको सुला के अभी मैं इसको स्टूडियो लेके आई हूँ। और तुझे कैसा लगा एली से मिलके? एली से मैं 4 घंटे मिली हूँ और मुझे उससे प्यार हो गया है, मुझे घर जाने का मन नहीं है। मेरे को भी नहीं मन कर रहा है कि ये घर जाए बिल्कुल भी, मुझे मन कर रहा है काशी आज नाइट स्टे कर लेती पर पॉसिबल नहीं है। Guys, I'm back home and Ellie, हमारी प्यारी Ellie मेरी गोदी में है अभी, अभी ना play रही as usual. And yeah guys, I think I'm gonna end the vlog right here. इसके साथ 2 दिन कब निकल गए पता भी नहीं चला, इतने अच्छे से टाइम बीत रहा है हमारा। Yeah guys, इसका ग्रोथ और इसकी पूरी जर्नी तो मैं व्लॉग में कैप्चर करती रहूंगी, डॉक्यूमेंट करती रहूंगी। या बस अब मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ यहीं पे। Ellie सबको बाय बोल दू, टाटा टाटा, तो बोल दे सबको, तो फिर मिलेंगे, बाय। सो वी आर गोना सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग, अब आपको ये हर व्लॉग में दिखेगी। सो या गाइज, आप लोग सेफ रहो एंड अपना ध्यान रखो, एंड आई एम गोना सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, बाय।